खुले दिन के बाद रात के अंधेरे में भी बदमाशों का तांडव जारी रहा। अपने ही पार्टी कार्यकर्ता के घर पर हमला किया गया और घर का सारा सामान नष्ट कर दिया गया। पीड़ितों में एक 70 वर्षीय महिला सहित अन्य महिलाएं भी थी। 20 से 25 बदमाशों ने घर में ही हमले को अंजाम दिया। सत्ताधारी भाजपा पर दोष की उंगली उठाई जा रही है। घटना रविवार रात बिलोनिया कॉलेज स्क्वायर इलाके की है। पीड़ितों से सुनने को मिला कि वो भी बीजेपी का समर्थन करते हैं, लेकिन आरोप ये है कि उनके बेटे की कांग्रेस की बैठक में जाने को लेकर उसके घर पर सत्ताधारी पार्टी के बदमाशों ने हमला कर दिया था। मीडिया प्रतिनिधि के मौके पर जाते ही घर के मालिक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भाजपा पार्टी के कुछ लोगों ने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया, फिर उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ा और घर में घुसकर घर का फर्नीचर तोड़ दिया। पुलिस आई तो थी, मगर उन्होंने घर के अंदर नहीं झांका। पुलिस ने कथित तौर पर उसे नजरअंदाज कर दिया और वहां से चली गई। सत्तारूढ़ भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि एक 70 वर्षीय महिला सहित गृहिणियों पर उन्होंने हाथ उठाया है। घटना से कॉलेज स्क्वायर क्षेत्र में दहशत और अशांति फैल गई है। आज के तादन में जमाया तो এখানে আসিলাম হঠাৎ করে চিৎকার শুনে আমি দৌড়াইয়া আইয়া দেখি যে এই দৃশ্য ইডি দেখে আমি সব পোলা ভাইনেরে গেঞ্জি কই যে বাবা তুই তোরা মাথাটা ঠান্ডা কর তোরা কি লাগে একটা নিরীহ পরিবারের উপরে এরকম করতাছস আমি ইডেই কইতাছি তারা আমারে পর্যন্ত ধাক্কা দেয় একটু শুন তোরা ঘরে মা বোন আছে সবাই আছে কি লাগে তোরা তারা তো গরিব পরিবার চলতে পারে না আমার না বলছি আমরা দৌড়াইবো তাদেরকে আনি বড়বড় যা ভাঙতো করে আনি তারারে আনি আমি ওই আমার নাম দীপালী মিত্র সত্তর দিদি আমি হয়েছি এদের মা রথিনের দিদিমা নিজের যে ধাক্কা মেরেছে কতজনের ইয়া করছে মারধর করছে মারধর করছে না মানে এমনি ধাক্কা মারছে আমাকে আমি প্রথম আইছি তো আমি সবাই ধাক্কা মারছিলাম।